दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक पर आप जो है कॉलेज नेम कैसे ऐड कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आप भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर कॉलेज नेम ऐड करना चाहते हो तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है। फेसबुक ऐप ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आप देखते हो मेरा जो है कॉलेज नेम यहाँ पर एडेड नहीं है। तो गाइज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको प्रोफाइल यानी कि एडिट प्रोफाइल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑप्शन में गाइज आपको एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स में गाइज आपको एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप एडिट पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ से आप अपने कॉलेज नेम को ऐड कर पाओगे। तो सिंपली गाइज आपको एजुकेशन में आपको ऐड कॉलेज पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको जो है कॉलेज नेम पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके जो भी कॉलेज है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़े हो, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज को सर्च कर लेना है। तो गाइज मैं यहाँ पर अपने कॉलेज को यहाँ पर जो है सर्च कर लेता हूँ और इसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारे सर्च रिजल्ट आएंगे और गाइज़ आपको जो अपनी कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे के कुछ ऑप्शन ऐड करने के ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज़ अगर आपने अपनी कॉलेज कंप्लीट कर ली है, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी स्टार्ट और एंड डेट को आपको ऐड करने के बाद जैसे आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो गाइज़ आपकी जो है कॉलेज आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर ऐड हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कॉलेज यहाँ पर जो है ऐड हो चुकी है। इसके बाद फिर से गाइज आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप फेसबुक पर आप अपने कॉलेज नेम को ऐड कर सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।